नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेद के घरेलू उपचार में। लहसुन दमा के इलाज में काफी कारगर साबित होता है। 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालें और इस मिश्रण का हर रोज सेवन करने से दमे में शुरुआती अवस्था में काफी फायदा मिलता है। अदरक की गर्म चाय में लहसुन की 2 पीसी कलियां मिलाकर पीने से भी अस्थमा नियंत्रित रहता है। सवेरे और शाम इस चाय का सेवन करने से मरीज को फायदा होता है। दमा रोगी पानी में अजवाइन मिलाकर इसे उबाले और पानी से उठती भाप ले, यह घरेलू उपाय काफी फायदेमंद होता है। 4-5 लौंग ले और 125 मिली पानी में 5 मिनट तक उबाले। इस मिश्रण को छानकर इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाए और गरम गरम पी ले। हर रोज 2-3 बार यह काढ़ा बनाकर पीने से मरीज को निश्चित रूप से लाभ होता है। 180 मिलीलीटर पानी में मुट्ठी भर सहजन की पत्तियां मिलाकर करीब 5 मिनट तक उबालें। मिश्रण को ठंडा होने दे, उसमें चुटकी भर नमक, काले मिर्च और नींबू रस भी मिलाया जा सकता है। इस सूप का नियमित रूप से इस्तेमाल दमा उपचार में कारगर माना गया है। अदरक का 1 चम्मच ताजा रस, 1 कप मेथी के काढ़े और स्वादानुसार शहद इस मिश्रण में मिलाए। दमे के मरीजों के लिए यह मिश्रण लाजवाब साबित होता है। मेथी का काढ़ा तैयार करने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना और 1 कप पानी उबालें। हर रोज सवेरे शाम इस मिश्रण का सेवन करने से निश्चित लाभ मिलता है। दमा अटैक न आने के लिए आपको सीधे और आराम से बैठना चाहिए। तुरंत सुनिश्चित मात्रा में रिलीवर दवा लें। 5 मिनट के लिए रुके, फिर भी कोई सुधार न हो तो दोबारा उतनी ही दवा लें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।